नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं संगीता गुप्ता रेकी ग्रैंड मास्टर आपका स्वागत करती हूँ हमारे तीसरे वीडियो में जो रेकी पर है। और थोड़ा सा परिचय फिर से देना चाहूँगी अपने नए मित्रों के लिए जो हमारे साथ अब जुड़े हैं कि मैं 25 साल से रेकी सिखा रही हूँ और हज़ारों लोगों ने रेकी सीखा है। और मैं अपनी इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में रेकी वन की जो मैं ऑनलाइन आपको सिखाना चाहती हूँ, अपना सारे अनुभवों को जो मैंने अलग अलग मास्टर्स के साथ, अलग अलग टीचर्स के साथ लिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जितना मेरा अध्यात्म की समझ है, उन सबको मैंने कोशिश करी है रेकी के इस वीडियो द्वारा आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और आज हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर उसुई के रेकी के 5 प्रिंसिपल्स की। तो 5 प्रिंसिपल्स जो डॉक्टर उसुई ने बनाए थे वो इसलिए बनाए थे ताकि हमारा मन शांत रहे और एक तरह से प्रिपरेशन है रेकी करने से पहले। तो पहला जो उनका प्रिंसिपल था, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि सभी कहते हैं क्रोध जो है बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। आप सबने ऋषि दुर्वासा का तो सुना ही होगा कि वो श्राप, गुस्से में आके श्राप दे देते थे और बाद में उन्हें पश्चाताप होता था। तो ऋषि मुनियों को भी क्रोध जो है ज़िंदगी में पनप नहीं पाया है। तो क्रोध जो है आपके बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स अपनी नेचुरल स्थिति से अलग हो जाते हैं। तो टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जब आप क्रोध करते हैं। आपने देखा होगा सांस उखड़ने लगती है। तो क्रोध का इम्पैक्ट आपकी फिजिकल बॉडी में होता है। जो लोग अक्सर क्रोध करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं स्ट्रेस मत लीजिए, काम डाउन, तो रिलैक्स। आपने देखा होगा रेड लाइन पे लिखा है रिलैक्स, तो रिलैक्स कीजिए। अगर पूरे महीने क्रोध नहीं कर सकते तो कम से कम आज के लिए सुबह के टाइम प्रण लीजिए, आज के लिए क्रोध नहीं करूँगा। दूसरा है आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा, केवल आज के लिए प्रण ले लीजिए। चिंता चिता समान है। चिंता आपको कहाँ लेके जाती है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर तो आया ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की? तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। पास्ट गुजर चुका है और फ्यूचर अभी आया ही नहीं है तो चिंता किस बात की है? जो भी है यही एक पल है, इसी पल में हमें जीवन जीना है। पर आपका मन कूदता है आगे फ्यूचर में, अब क्या होगा, मैं बुढ़ापा आएगा, बच्चों की चिंता, काम की चिंता। आप प्लानिंग कर सकते हैं पर चिंता ना करें। चिंता भी एक टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भर देती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ख़राब करती है। हमें समझ नहीं आता, जब बहुत देर हो जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। तो एक प्रण लीजिए कि आज के लिए चिंता नहीं करूँगा। तीसरा है आज के लिए अपना काम ईमानदारी से करूँगा। आपने जो मन में ठाना है वो आपने आज करना ही करना है। जो भी आपने किसी को वचन दिया है कि भैया तुम्हारी मेरी मीटिंग 8 बजे होगी तो 8 बजे ही करें, और अगर किसी कारणवश आप ट्रैफिक में फंसे हैं किसी भी, तो उसको पहले ही इतला करके फ़ोन करके बता दें कि यह मीटिंग नहीं हो पाएगी, मैं फंस गया हूँ, क्या हम कल के लिए कर सकते हैं। तो आपने अपना शब्द जो दिया है उसको आपने कायम रखना है। तो जब आप उसको इतला दे देते हैं, गोलीबाजी नहीं करनी है। गोलीबाजी का मतलब तो कुछ और होता है। जब आप कहते हैं अरे कुछ झूठ बोलते हैं, आप टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, तो जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके अंदर की वाइब्रेशन हिली हुई होती है, मन अशांत होता है। तो अपने वचन पे कायम रहें, जो आपने कहा है वो है करें। किसी कारणवश नहीं कर पाए तो वार्तालाप करके उसको जो है ठीक करें, बता दें, कम्युनिकेशन कर दें। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपको बहुत पावर देती है। जब आपने ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर दी तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती और आप बचते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। नहीं तो आपके मन में डर रहेगा, घबराहट रहेगी, उस व्यक्ति को फेस करना आप अवॉइड करते हैं। किसी से आपने पैसे लिए, प्रॉमिस करा कि मैंने पैसे इस समय देने, किसी कारणवश आप नहीं दे पाए, तो उसे पहले इतला कर दें कि नहीं दे पा रहा हूँ। तो
अगर गोलीबाजी करेंगे वो समझ जाएगा, वो और आक्रामक हो जाएगा और आप उसे बचोगे, आप चोर जैसे बन जाओगे और वही आपकी ऊर्जा को कम कर देगा, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होगा। तो ये जो है आपके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट लाता है, आपकी ऊर्जा नेगेटिव होती चली जाती है अगर आप अपने वचन पे कायम नहीं रहते। चौथा प्रिंसिपल है कि मैं दूसरों की सेवा करूँगा जहाँ भी आपको मौका मिल जाए। कभी रोड पे मान लीजिए कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप अक्सर लोग छोड़ के भाग जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि पुलिस को इतला तो कर सकते हैं कि भैया फला फला जगह फला फला व्यक्ति जो है गिरा पड़ा है, उसको चोट आ गई है। तो अपने कर्तव्य से भागे नहीं, कहीं ना कहीं आपका मन कचोटता रहेगा, कहीं ना कहीं मन कचोटता, अरे मैंने वो गलत काम किया, मैंने उसे छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया। और कई बार तो ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा किसी व्यक्ति ने करा, एक्सीडेंट को देख के वो उसको छोड़ के चला गया और पता चला कि जब वो घर गया तो वह व्यक्ति उसका बेटा या उसका कोई अपना था, और तब उसके अंदर कितना गिल्ट आएगा ये आप देखिए। तो गिल्ट आपकी फीलिंग्स भी नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में, बीमारी पैदा करती हैं, तो ये ना करें। पांचवा प्रिंसिपल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के लिए मेरे मन में कृतज्ञता का भाव रहेगा, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो भी हमें परमात्मा ने दिया है उसके प्रति आभार का भाव। हम अक्सर क्रिबिंग करते हैं, शिकायतें करते हैं, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, दिल्ली में ट्रैफिक है, दिल्ली में पोल्यूशन है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये कैसे शहर में मैं रह रहा हूँ और घर में वह ठीक नहीं है। तो जो भी आप इस तरह की शिकायतें लेते हैं तो उससे क्या होता है, मन अशांत होता है, मन में एक फंसे रहते हैं आप, तो उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते आप, ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकते, पत्नी को बदल नहीं सकते, पर आभार बदल सकते हैं। पत्नी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती होंगी तो उसके लिए आप आभार व्यक्त करें। तो जब आभार आप व्यक्त करते हैं तो आपकी ऊर्जा एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, उसका विकास होता है। तो एक आभार के भाव में रहें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हे परमात्मा तूने मुझे इतने अच्छे शहर में, विकसित शहर में रखा जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे मेट्रो भी आती है, यहाँ पे बसें भी चलती हैं, यहाँ पे लोग जीवंत हैं, यहाँ पे जीवन है। तो थैंक यू गॉड कि मैं दिल्ली जैसी सिटी में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, या मेरा पुत्र जो है वो कम से कम इतना तो मेरे लिए करता है कि मेरे को पूछता तो है, पिताजी तो बोलता है मुझे प्रेम से, रिस्पेक्ट से, तो यही बहुत है आजकल के ज़माने में। आप इसका भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो आभार के भाव में रहने से आधी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस करके देखिए इन पांच प्रिंसिपल्स को। जीवन में पूरी रेकी ऊर्जा की ये एक फाउंडेशन है, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मित्रों इतना ही। तो शुभ रात्रि, कल फिर चर्चा करेंगे एक और नए वीडियो में। आगे रेकी वन के बारे में मैं और बताऊंगी आपको, और आपको कुछ प्रश्न पूछना हो या आप रेकी क्लासेस कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल करें 9811142249, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। धन्यवाद।